हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजीबी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 इजी एंड ट्रेंडी बॉटल आर्ट्स, जो कि आप बहुत ही इजीली अपने घर में बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी स्किल या स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं एंड आप बहुत ही इजीली रिक्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे फर्स्ट बॉटल आर्ट के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है ऑब्वियसली एक ग्लास बॉटल, एंड सेकंड मैंने लिया है ये एक डेको ट्रांसफ़र शीट। ये मैंने इत्सी बित्सी से ऑनलाइन परचेज़ किया है। आपको ये सिंगल शीट आती है एक पैकेट में, एंड पीछे आपको इसका सारा इंस्ट्रक्शन एंड स्टेप्स आपके दिए हुए हैं, आप उसे फॉलो करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पार्ट हमें यूज़ करना है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ सीजर एंड विदाउट डिस्टर्बिंग माई अदर डिज़ाइंस एंड एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने बुद्धा का पार्ट कट कर लिया है, एंड अब इसके ऊपर की जो प्लास्टिक है उसे हम रिमूव कर देंगे। एंड ये जो पार्ट है इसके अंदर ग्लू लगी हुई है, तो हम इसे बॉटल के ऊपर कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे। तो सबसे पहले हम अच्छे से इसे प्रेस करके स्टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं स्पंज लूँगी एंड उसे मैं वाटर में सोक करके कुछ इस तरीके से डैब करूँगी। पूरे पेपर को हमें गीला कर लेना है बहुत अच्छे से, एंड उसके बाद बहुत ही स्लोली हमें इसे रिमूव करना है। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी भी चिपका हुआ है पेपर में, तो आप अगेन वहाँ पे थोड़ा सा वाटर लगाएं एंड उसके बाद आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती सी ये डिज़ाइन आ चुका है। अब हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। तो अब ये ड्राई भी हो चुका है, तो आपको ड्राई होने के बाद ये थोड़ा फेडेड दिखेगा। तो इसे कोट करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वार्निश का एक कोट। आप चाहें तो यहाँ पे स्प्रे वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी वार्निश यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो इट्सी बिट्सी वाला वार्निश है मैं वही यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये आपको इनिशियली थोड़ा मिल्की मिल्की सा दिखता है, बट आफ्टर ड्राइंग ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। सो आर फर्स्ट बॉटल आर्ट इज रेडी। तो इसे बनाना देखिए कितना ही इजी एंड सिंपल था। तो अब चलते हैं हम अपने आज के सेकंड बॉटल आर्ट की तरफ, जो कि सुपर डुपर इजी है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ले लिया है ग्लास बॉटल। अगर आपके पास ऐसी बॉटल्स नहीं हैं तो आप यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइजेस के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बेस कोट जेसो का अप्लाई कर दिया था एंड उसे कम्प्लीटली सूखने दिया था। सेकेंड कोट मैं यहाँ पे कर रही हूँ वाइट एक्रिलिक कलर का। यहाँ पे मैं स्पंज की हेल्प से इसे डैब करते हुए पेंट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ब्रश से पेंट करते हैं तो उसके स्ट्रोक्स एंड मार्क्स रह जाते हैं, एंड स्पंज में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इनफैक्ट इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत सा आता है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये ब्लैक एक्रिलिक कलर, एंड ब्रश एंड फिंगर टिप की हेल्प से कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ब्लैक पेंट को अपनी बॉटल के ऊपर यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ, मतलब स्कैटर कर रही हूँ। बस हमें स्प्लैश चाहिए, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे बस रैंडम स्प्लैश आपको क्रिएट करनी है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी बॉटल को पेंट कर लिया है। अब लास्ट में मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये वार्निश। आप कोई भी वार्निश यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड बॉटल आर्ट। तो था ना ये भी बहुत ही इजी। मैंने बोला था ना कि बहुत ही इजी रहने वाला है इस बार का बॉटल आर्ट। तो अब चलते हैं थर्ड बॉटल आर्ट की तरफ। तो ये देखने में जितना खूबसूरत एंड कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही इजी है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी है इसमें भी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक ग्लास बॉटल,
उस पर हम अप्लाई करेंगे जेसो का बेस कोट। अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि जब हम ब्रश से करते हैं तो इस तरीके के स्ट्रोक्स यहाँ पे विजिबल होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर से स्पंज की हेल्प से कुछ इस तरीके से डैप करूँगी, जिससे कि जो हमारा ब्रश का स्ट्रोक था वो भी चला जाएगा एंड एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्स्चर भी क्रिएट हो जाएगा। तो आप बहुत क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली सूखने देंगे, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे ये डेकोपाज पेपर। तो ये डेकोपाज नैपकिन पेपर नहीं है, यह आपको फिलामेंट पेपर है जो काफ़ी थिक होता है एंड बहुत ही ईजी होता है इसे डेकोपाज करना। तो यहाँ पे एक शीट मैंने ले ली है जो छोटा वाला था एंड अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इसमें आपको दो शीट मिलती है एंड हमेशा आपको वहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह भी रहते हैं, तो कितनी बार आपको काफ़ी रिजनेबल रेट में भी ये शीट्स मिल जाते हैं। तो जो भी साइज़ हमें चाहिए था वहाँ पे हमने कट कर लिया है एंड ऊपर की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा कर्वी है बॉटल, तो यहाँ पे मैं दो छोटे छोटे कट लगा रही हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे मॉड पॉज की हेल्प से इसे यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर थोड़ा कर्वी है, इसलिए मैंने वो दो कट्स लगाए थे सो दैट कि यहाँ पे किसी भी तरीके का बबल या रिंकल नहीं होगा एंड बहुत ही ईजली ये स्टिक हो जाएगा। ये हो जाने के बाद ऊपर भी हम एक कोट मॉड पॉज का अप्लाई करेंगे एंड उसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। इसके रेजिन एंड हार्डनर को मिक्स करके हम डो रेडी कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे रोल कर रही हूँ एंड रोल होने के बाद जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है आप अपने बॉटल के ऊपर बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सिंपल रखा है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स में एंड बॉटम में इसे स्टिक कर दिया है एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे नाइफ की हेल्प से कट कर दिया है। अब मेरे पास ये एक ऑलरेडी पड़ा हुआ था सिलिकॉन मोल्ड, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। तो इसके अंदर मैंने क्ले को कुछ इस तरीके से फिल करके एंड इसका जो इम्प्रेशन है वो ले लिया है। बट क्ले फिल करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ही स्मूदली हमें मिल जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन हमें मिल गया है बहुत ही ईजली बिना किसी मेहनत के। अब हम इसे बॉटल के ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से स्टिक कर देंगे एंड सूखने के लिए रख देंगे। तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब हम इसे सिमिलर कलर से पेंट करेंगे। तो जो पेपर के अंदर जो पिंक कलर था वही पिंक कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, बट उसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके स्पंज की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसे पेंट कर लिया है। थोड़ा सा और इसे विंटेज लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ये गोल्ड मेटालिक कलर यूज़ किया है। ये मैंने इट्सी-बिट्सी से ही लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है या आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कैमल का जो 20-25 रुपीज़ की जो गोल्डन डस्ट पाउडर आती है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें आपको प्राइमर मिक्स करना पड़ता है। यहाँ पे ये आपको इजी टू यूज़ आता है एंड स्पंज की हेल्प से हम बहुत जेंटली इसे डैप करते हुए जो भी डिज़ाइंस हमें थोड़े से हाईलाइट करने हैं उनके ऊपर हम इसे पेंट कर देंगे। अब थोड़ा सा मैं गोल्डन कलर से कहीं कहीं पे बस हाईलाइट कर रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। यहाँ पे गोल्डन पेंट थोड़ा यूज़ किया है एंड थोड़ा सा ये 3D लाइनर एंड आपको करना है आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं है तो कोई नीड नहीं है, आप इसे एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, ये वैसे भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लास्ट में अपने पूरे आर्टवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे वार्निश। तो कोई भी आर्ट आप बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़े लंबे टाइम तक आपके साथ रहे क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, तो वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। एज आई टोल्ड यू कि ये बहुत ही ईजी है बनाना, तो देखिए कितनी ईजली हमने अपना थर्ड बॉटल आर्ट भी कम्प्लीट कर लिया।
तो चलिए अब चलते हैं अपने आज के लास्ट एंड फोर्थ बॉटल आर्ट की तरफ। तो इस बॉटल आर्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं 3 छोटे छोटे बॉटल्स। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मिल्क बॉटल या कैवेंटर्स की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जो प्लास्टिक रिंग है इसे हम कट करके सबसे पहले रिमूव कर देंगे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये जूट ट्वाइन एंड जूट की लेस। एंड जो भी आपको साइज़ चाहिए वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कट कर लिया है, क्योंकि मेरी बॉटल काफ़ी छोटी है एंड लेस जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो मैं इसे 2 पीसेज में कट कर रही हूँ। एंड ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ पे 2 बॉटल्स की नेक पे कुछ इस तरीके से इस लेस को स्टिक कर दिया है। 2 बॉटल्स पे मैंने लेस लगा दी। अब मैंने 3rd जो बॉटल है उसमें यहाँ पे जो जूट ट्वाइन था उसे यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस तरीके से रैप करते हुए स्टिक कर दूँगी। तो ये भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ से मैं एक जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसे यूज़ करने वाली हूँ, तो इसे कट करके हम यहाँ से ले लेंगे। एंड सेम प्रोसेस जो हमने अपनी फर्स्ट बॉटल आर्ट में यूज़ किया था वही प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना है। इसे यहाँ पे इस तरीके से स्टिक करना है पहले, एंड पानी एंड स्पंज की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसे हमें जो एक्स्ट्रा पेपर है जो शीट है उसे हमें रिमूव करना है। अब इसे सूखने देना है। सूख जाने के बाद हमें इस पर थोड़ा सा वार्निश अप्लाई करना है। तो जब तक ये सूखता है तब तक हम बनाएंगे यहाँ पे इसके लिए एक क्रेट। तो यहाँ पे मैंने कुछ वुडन प्लैंक्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था काफ़ी टाइम पहले। तो कुछ इस तरीके से मैं सारे प्लैंक्स को यहाँ पे अटैच कर दूँगी, मैं फेविकॉल की हेल्प से इसे स्टिक कर दूँगी। अब साइड में जो लेफ़्ट एंड राइट के जो छोटे छोटे मैंने प्लैंक्स यूज़ किए हैं वो मैंने घर में ही कट किया है। आपको इसकी ब्लेड मिलती है, बहुत ही इजीली लोकल हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगी, तो आप 30-35 रुपीस की मिल जाती है, तो आप उसे घर में इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिक कर दिया है। एंड उसके बाद इसे कम्प्लीटली हम ड्राई होने देंगे। एक बार जब ये सूख जाएगा तब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक वुड स्टेन, जो कि आपको बहुत ही इजीली लोकल पेंट या हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। एंड उसको मैं फैब्रिक की हेल्प से कुछ इस तरीके से रब करते हुए यहाँ पे अप्लाई करूँगी। आपको अगर इतना खर्चा या मेहनत नहीं करना है तो आप वुडन बॉक्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा आज का 4th DIY भी यहीं पर कम्प्लीट होता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको आज के सारे बॉटल आर्ट्स में से कौन सा सबसे अच्छा लगा है। एंड अगर सीरियसली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। We'll find the remedy, or would you stay with me now?